है, एक ट्रक और जो ट्रोलो है अभी के बीच में भिड़न तो हो चुकी है, अभी को सारो सामान बिखरे पड़ो है। आ घटना कितनी देर पहले की बताइए? 12:30 के बीच में लगभग हुई। तो आप NH-52 पर देख रहे हैं आए दिन एक्सीडेंट हो रहा है, तो आपके पीछे क्या वजह है? ये लापरवाही है, मैंने वजह तो लापरवाही है। फिर जो मरीज अभी थे अभी हॉस्पिटल में रेफर करा है इसार, तो भाई क्या हाल है? हालत सीरियस है, वो एक पैर कट गया और हाथ भी फ्रैक्चर उसका। राम राम जी, मैं किता कैमरामैन योगेंद्र जी के साथ गए। आज आप पहुँचे हाँ NH-52 के ऊपर, जैठा एक ट्रक और जो ट्रोलो है अभी के बीच में भिड़न तो हो चुकी है, और यह घटना सिरसलो जो गांव है अभी के पास की बताई जा रही है, और जो हाईवे पेट्रोलिंग टीम है बा और जो अठा जो पुलिस है वह आ चुका है मौके पर, और क्रेन के द्वारा दोनों ट्रक ने अलग अलग कर दियो गए है, और ये मैं कौन कितो जख्मी हुए है के कारण रहे है भिड़ंत को आप बाद पुलिस हूँ करांगा। नमस्ते सर। नमस्कार जी। नमस्कार। तो आ घटना कितनी देर पहले की बताइए? 12:30 के बीच में लगभग हुई। तो इनमें जो ड्राइवर है वह कितना जख्मी हो गया? दो एक एक दोनों गाड़ियों में एक ड्राइवर एक खलासी था, एक गाड़ी का छोटी गाड़ी है जो ट्रक, इसका ड्राइवर का पैर कट गया और बाकी फिर हाथों तो हॉस्पिटल में ले गए, उसको पता नहीं कितनी चोट आई उसके, और अभी हॉस्पिटल में गए हुए हैं हमारे साथ वाले, में यहाँ रुक गया ये रोड खुलाने के लिए। कारण क्या बताया जा रहे हो एक्सीडेंट होने? वो बता रहे हैं कि जो छोटी गाड़ी वाला ट्रक वाला जो जिसका पैर कटा है इसको नींद आ गई बता रहे हैं, यहाँ के लोग नींद आ गई थी उसको, नींद आने से एक्सीडेंट हुआ है। तो आप NH-52 पर देख रहे हैं आए दिन एक्सीडेंट हो रहा है, तो आपके पीछे क्या वजह है? ये लापरवाही है, मैंने वजह तो लापरवाही है। तो वहाँ चीज़ें आप क्या रोक सका? अपने कर रहे हैं, पुलिस प्रशासन परमानेंट गश्त कर रहा है, कंट्रोल कर रहे हैं, अभी तो यहाँ बहुत कम होने लगे एक्सीडेंट चल रहा है, अभी 4 लेन बन जाएगी तो और कम हो जाएंगे, 4 लेन का काम चल रहा है अभी। नमस्ते सर। जो मरीज अभी थे अभी हॉस्पिटल में रेफर कर रहा है इसार, तो भाई क्या हाल है? हालत सीरियस है, वो उसका पैर फ्रैक्चर है और हाथ भी एक पैर कट गया और हाथ भी फ्रैक्चर है उसका, सीरियस है, ब्लड की कमी है और उसको इसार रेफर कर दिया। अच्छा, तो डॉक्टर के कहे है? डॉक्टर तो कहीं बयान देने लायक भी नहीं अभी, और वो नहीं बोल सकता, उसको अभी हॉस्पिटल इशार लेके गए। अभी गाड़ी का ड्राइवर इन जो गाड़ी आपने राजगढ़ की तरफ आ रही, तो आप अब आऊँ बात करेंगा कि के कारण हो जब यो एक्सीडेंट हो। नमस्ते। हाँ नमस्ते। तो जी टाइम में यो एक्सीडेंट हो तो भी के वजह ही? वजह यो परली साइड आ गई, मेरी तरफ आ गई, हम इस साइड से आ रहे थे, यो इस साइड से जा रहा था, तो मेरी तरफ आ गया जो, मैं बचता बचता तो उसकी गाड़ी जब मेरी तरफ घुस गई उसके साथ टच हो गया। तो अभी टाइम में थे बांध देखा बांध कितनी लागी? वो कि उसकी बाई की लात बीच में आ गई थी, तो उसको निकाल को एम्बुलेंस में ले गए थे, तो एक बंदा और था उसके साथ। तो अभी थारो कोई दूसरा ट्रक वगैरह आ रहे हो या दूसरी गाड़ी आ रही है उसमें लेके जाएंगे पलटी करके, अभी इंश्योरेंस का आएगा ना इसका ही, तो फोटो करेगा तो उसको पता चलेगा किसकी गलती है। देख सको हो कि जो गाड़ी आपने चूरू की तरफ आ रही हो भी को सारो सामान बिखरे पड़ो है, और जो आपने NH-52 है भी के ऊपर आए दिन आप देख रहे हैं इसी घटना हो रही है, काल की आप घटना देखा तो दो गाड़ियों के बीच में भिड़न तो ही भी मैं भी जान माल की हानि हुई ही, एक्सीडेंट होने के बाद में जो 8 गाड़ियां हैं NH-52 के ऊपर बाकी लाइन लाग चुकी ही, तो भी के बाद में पुलिस प्रशासन और जो हाईवे पेट्रोलिंग है वह दोनों मिल के जाम ने हटाए, और जो गाड़ियाँ हैं बने एक साइड में लगवाई है, और बताया जा रहा है कि एक गाड़ी तो एकदम ख़त्म ही हो चुकी है, और वो जो ड्राइवर है अभी बताया जा रहा है कि हाथ पग कट चुके हैं और बिना हॉस्पिटल के अंदर भर्ती करवा दिए गए हैं। तो बात आई है कि रोड के ऊपर सावधानी सबसे पहली चीज़ है, क्योंकि जब सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, तो इसके लिए कम जी हाँ लोगों ने ओवरटेक करना चाहिए और आपकी स्पीड के अंदर ही चलना चाहिए ताकि आप दुर्घटनाओं बच सका। आज आप देख सको हो कि आपको पैर कट चुके है, आपके हाथ का भी लागी है, तो एक पूरा परिवार ही की वजह प्रभावित हो रहा है, तो ज़्यादा कोशिश करो कि आ चीज़ा ना आप रोक सकें और आगे आने ना बढ़ने देवा। धन्यवाद।